हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर मोटिवेशनल स्पीकर धर्मेंद्र कुमार फ्रॉम दिल्ली। सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यह जो चैनल है बी तूफान, ये तूफान क्यों रखा गया नाम, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप तूफान की तरह आए, तूफान की तरह सफल हो और तूफान में कर जाएं, जो चाहें तूफान की तरह प्राप्त कर लें। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो ना, अगर तुम्हें सफलता चाहिए ना, अगर जीवन में चाहते हो कुछ करें, तो तुम्हें एक खास मकसद पे काम करना पड़ेगा। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो एक खास मकसद बनाइए, एक खास मकसद के लिए जिंदा रहिए, एक खास मकसद पे ही काम करिए, तब आप जीवन में सफल हो पाओगे, तब आप जीवन में कुछ कर पाओगे, कुछ बेहतर पा पाओगे। इसके लिए करना क्या होता है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति उस पागलों की तरह भागना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के प्रति एक पागलों की तरह काम करना पड़ेगा। एक लक्ष्य के प्रति जब चाहते हो, जब किसी चीज को चाहते हो, लक्ष्य को चाह रहे हो कि मुझे इसी वर्ष सफल हो रहा है, 2017 चला गया आपने जश्न मनाया था, 18 चला गया आपने जश्न मनाया, 18 जा भी रहा है आप जश्न मना रहे हो, 19 चला जाएगा, 20 चला जाएगा, ये साल की काउंटिंग मत करो, ये साल आते रहेंगे जाते रहेंगे और आपका एक एक साल उम्र खाते रहेंगे। बस करना क्या है कि आप अपने दिन के, अपने जीवन के लक्ष्य को फिक्स कर लो, आपने लक्ष्य को फिक्स कर लो, मुझे कितने दिन में सफल होना है। आप एक डायरी खरीद करके आज लाओ और डायरी के पहले पेज पर लिख दो कि आज आपका लेवल क्या है, आज आप किस लेवल पे खड़े हैं, बस डायरी के पहले पन्ने पे लिख दो। लिखने के बाद एक साल का प्लान बनाओ, एक साल का प्लान बनाने के बाद फिर एक मंथ का प्लान बनाओ, एक मंथ के बाद फिर एक दिन का प्लान बनाओ। आज सुबह जग गए और जगते ही, तुरंत जगते ही आपने सीधा क्या किया, नोट डाउन किया कि आज जो हमने लक्ष्य पाना है, जो मुझे महानता अर्जित करनी है, उसके लिए मुझे आज मात्र 2 घंटे ही काम करने हैं, मात्र 3 घंटे ही काम करने हैं, मात्र 4 घंटे ही काम करने हैं, बाकी 20 साल ऐस करो, बाकी 20 जो जितने भी आपके लाइफ बचे हैं ऐस करो, कोई इशू नहीं है। आज का दिन आपको 4 घंटे पढ़ने थे, बाकी 20 घंटे हमने कहा मौज मस्ती करो, लेकिन 4 घंटे डूबना है अपने लक्ष्य के प्रति, एक ही काम करना है। शाम के समय हिसाब ले लो, शाम के टाइम हिसाब ले लो कि क्या 4 घंटे हो पाए, नहीं हो पाए कोई बात नहीं है, अगले दिन फिर से काम करो। एक दिन में काम नहीं होना, फिर वीकली हिसाब लो, फिर मंथली हिसाब लो और एक एक महीना बस काम करो, चूंकि आपको सफल होना है। आप सफलता चाहते हो, आप भेड़ बकरी की तरह नहीं जी रहे हो, आप कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हो। खाना पीना बच्चे पैदा करना एक कीड़ा मकोड़ा भी करता है, एक जानवर भी करता है, आप उससे अलग कैसे हो, आप अलग कैसे बनना चाहते हो? तो अलग प्राप्त करने के लिए कुछ खास मकसद पे ही तो चलना होगा ना, कुछ खास मकसद पे ही तो काम करना होगा ना। बस चल पड़ो, आज और अभी से यात्रा शुरू कर दिया हमने, ये हमने दिया आपका पहला वीडियो, आप इस पे चलिए, इस यात्रा पे चल निकलिए। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, आगे चलने के लिए तैयार हूं, बस चल निकलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं और सफलता की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और इस तरह से पूरे का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक काम करना है, सबसे पहले उन जरूरतमंदों की मदद करनी है, क्योंकि पूरे भारत में बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, तो आप उनकी मदद करिए, इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए और सबसे सबको शेयर करिए, ताकि वो भी देख करके और बेहतर अपने लाइफ में काम कर पाएं। इसके साथ साथ लाइक जरूर बनता है, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ सब्सक्राइब करके और सबको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये वीडियो पूरे भारत में क्रांति की तरह फैलना चाहिए। और हाँ, आप जरूर कमेंट करें कि और आपको कहां पे दिक्कत होती है लाइफ में, कहां पे परेशानी फील करते हो, आप उसको मुझे बताएं और कमेंट करके आप मुझे बताइए। मैं धर्मेंद्र सर आपको हमेशा स्वागत करूंगा और आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।